ऑन गोइंग कास्ट वेसरे प्रोसीडिंग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करके रोक लगाया जाए। जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको प्रोटेक्ट रखिए, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं कि कास्ट वेस्ट सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना हाई कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में जातीय जनगणना हो रहा था मगर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सभी की निगाहें इसी सुनवाई पर टिकी हुई थी और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के बाहर से देखिए किस तरीके से पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया गया है, यानी स्टे लगा दिया गया है। अब 3-7 को अगली सुनवाई की जाएगी। देखिए, याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। माननीय हाईकोर्ट ने लोकहित याचिका पर सुनाई कर अंतिम जो फैसला दिए हैं, इंट्री ऑर्डर दिए हैं कि ऑन गोइंग कास्ट वेस्ट सर्वे प्रोसीडिंग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करके रोक लगाया जाए और इसकी सुनवाई, फाइनल सुनवाई 3/7/23 को मुकर्रर की गई है। तो अभी जो है अब गंगा पर रोक लग गई, अब नहीं होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच में कास्ट में सेंसस में जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको प्रोटेक्ट रखिए, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो पॉइंट था कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर, उसको माननीय उच्च न्यायालय इंट्री ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंट्री में स्टे मिला है। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि 500 करोड़ का जो इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, वो हम लोग यही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट वेस्ट सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता है, इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका, जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है, इसलिए हम लोग को लगता है कि इंट्री हमें से मिला है। अगली फाइनल सुनवाई कब होगी? 3/7/22 को सुनवाई होगी। 3 जुलाई। तो आपने सुना पटना हाई कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, हम आपको बता रहे हैं कि स्टे लगा दिया गया है जातीय जनगणना पर। वहीं जो वहां पर अंदर में न्यायाधीश मौजूद थे उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी जातीय जनगणना में जितने भी लोगों की डेटा है उसको सेफ तरीके से सरकार अपने पास रखे। तो एक बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सभी की निगाहें काफ़ी लंबे समय से टिकी हुई थी कि आखिर जातीय जनगणना पर क्या होगा, तो स्टे लगा दिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।